हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक भाटिया। आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। आज हम लोग भरूच के अंदर एक जो भीड़ भंजन का मेला होता है, जिसको एक भाषा में बोला जाता है पोठा और पापड़ी का मेला बोला जाता है, तो एक मेला है आज। तो यहाँ पे एक भीड़ भंजन मतलब हनुमान जी का दर्शन होता है। तो एक कौमी एकता का एक जो मेला है, ये यहाँ पे माक्सर मास के अंदर आता है और यहाँ पे सब लोग हनुमान जी के दर्शन करते हैं और सामने एक मस्जिद है, वहां पे भी सब लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो ये मेला क्यों है, इसका महात्मा क्या है, तो उसको जानने के लिए हम पुजारी के पास जाएंगे। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और हम लोग अंदर जाके दर्शन करेंगे। तो अभी हम हनुमान जी के मंदिर के पास बिल्कुल आ गए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं तेल है ये, तो हनुमान जी को तेल भी चढ़ता है यहाँ पे। तो यहाँ से लोग सब तेल लेके वहाँ पे चढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी भीड़ है, हनुमान जी के दर्शन के लिए सब लोग आए हुए हैं। तो हम इसका महात्मा क्या है ना, ये हम पुजारी के पास से जानेंगे। तो हम लोग पुजारी से मिलते, आइए मेरे साथ। जय श्री राम। जय श्री राम। पुजारी जी, मुझे बताइए ये जो मेला है कब आता है? ये अपना हिंदू शास्त्र के हिसाब से अपना माक्सर महीना जितने जो रहता है, जितने वो माक्सर महीने में जितने गुरुवार आते हैं, उस हिसाब से इधर मेला लगता है। अच्छा, तो करीबन ये 2.5 सालों से चल रहा है। 2.5 साल से पूरा चल रहा है। हाँ। तो मतलब महीने का जो 4 गुरुवार है, तो हर गुरुवार को ये मेला लगता है। लगता है। हाँ। अच्छा, तो इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है, एक तो ये इतना पीर अपना सामने आप देखोगे, वहाँ पीर दादा का दरगाह है। हाँ। और इधर हनुमान जी महाराज का मंदिर है। ये दोनों हिंदुत्व अपना कौमी एकता का मंदिर की तरफ से जाना जाता है। और दूसरा चीज है, इधर भगवान श्री राम को कोठा और पापड़। अच्छा, और दूसरा नाम ये मेले का दूसरा नाम है कोठा पापड़ का मेले के हिसाब से आप जान सकते हैं। अच्छा, मतलब कोठा पापड़ी का मेला है। कोठा पापड़ी का मेला एक तरह से बोला जाए तो कौमी एकता का, कौमी एकता का ये प्रतीक है। इधर प्रतीक है। हाँ। इधर मुस्लिम आदमी भी आते हैं। अच्छा। और अपना हिंदू पब्लिक भी सामने दरगाह में जाते हैं। मुस्लिम लोग भी इधर दर्शन करने के लिए आते हैं और मस्जिद में हमारे लोग भी वहाँ पे जाते हैं। एक प्रकार के कौमी एकता का, कौमी एकता का मंदिर है। अच्छा, कितने पुराना मंदिर है ये? करीबन 250-300 साल पुराना मंदिर है। 300 साल पुराना मंदिर। और ये जो हनुमान जी आप देख रहे हो, स्वयंभू इधर कुआं था, पहले कुआं था, कुआं में से स्वयंभू धार निकले हुए है। और इधर आपने हर जगह मंदिर देखा होगा कि वहाँ हनुमान जी का पूजा मंगलवार और शनिवार को होता है। इधर ये हिंदुस्तान में एक ऐसा मंदिर है जहाँ गुरुवार को इनका पूजा होता है। अच्छा, ये उनका बहुत बड़ा विशेषता है। और इधर शाम को 7 बजे जो इधर का गरीब लड़का लोग है, इधर हम लोग खाना भी खिलाते हैं एवरी ट्यूजडे। अच्छा, तो आपने देखा, तो हम लोग किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो शनिवार या मंगलवार के दिन जाते हैं। तो ये यही एक हिंदुस्तान का लगभग मेरे ख्याल से मंदिर है कि जो गुरुवार के दिन हनुमान जी की पूजा होती है। तो एक इसका बहुत बड़ा महत्व है। और 600 साल 700 साल पुराना मंदिर है। और ये जो आप मूर्ति देखते हो ना, ये एक कुएं में से मिली हुई है, मतलब स्वयं मूर्ति है। तो हम लोग बोलेंगे सब मिलकर के जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और दूसरा जी, वीर बंदे हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। ये भीड़ भंजन महादेव की जय, भीड़ भंजन हनुमान की जय। ये जो मंदिर है ना, भीड़ भंजन के नाम से जाना जाता है, जो सबकी भीड़ दूर करता है। और इधर मान्यता है कि जिसकी इसको बच्चा नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम रहता है, इधर मंदिर रख के जाते हैं और नेक्स्ट ईयर जब आते हैं तो उसका काम हो जाता है। इतना महत्व है ये मंदिर का। तो आप सभी ने इसका महात्मा ही जाना, तो आप भी प्लीज अपने फैमिली के साथ यहाँ पे आइए और अपनी मान्यता जो भी है मानिए, वो आपकी मान्यता जरूर पूरी होगी। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। तो यहाँ पे ये लोग जो थेपला वगैरह भी जो लाते हैं, तो ये मतलब क्या इसका मतलब रहस्य महात्मा है क्या? इधर क्या है, मेला लगता है। हाँ। और आपने देखा होगा कि बढ़िया बाप जी का मंदिर में सब लोग ठंडा खाने के लिए जाते हैं, ठीक है। हाँ। इधर भी ऐसा मान्यता है, लोग घर से खाना लेके आते हैं, मेला घूमते हैं और ऊपर आपने देखा होगा वहाँ सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। इधर महिमा ऐसा, इधर थेपला और चना वो भी इधर मंदिर में चढ़ाया जाता है। अच्छा, ठंडा खाने का रिवाज। हाँ, ठंडा खाने का रिवाज है। और इधर पूरे गुजरात से पब्लिक आता है गुरुवार के दिन। ये माक्सर महीने का 4-5 जो गुरुवार रहता है, उसमें पूरा गुजरात से पब्लिक इधर आता है और लंच करके खाना बाना खा के
फिर जाते हैं, भगवान का दर्शन करके जाते हैं। अच्छा, तो हम लोगों ने पूरा उसका महात्मा ही समझा, तो हम लोग महाराज को थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू। और अभी हम लोग जाएंगे बाहर, कोठा पापड़ी का जो मेला है तो उसके बारे में भी बोला, बाहर जाके जानते हैं हम लोग। तो मेरे साथ वीडियो पे बने रहिए, हम लोग बाहर निकलेंगे। ये जहाँ मेला लगा हुआ है, तो एग्जिट आप देखिए, जो हनुमान जी का मंदिर है ये, और हनुमान जी के मंदिर के सामने ही एक दरगाह है, तो मुसलमान लोग भी यहाँ पे हनुमान जी का दर्शन करने के लिए आते हैं और हमारे हिंदू भाई भी वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो ये कौमी एकता का प्रतीक के रूप में ये मेला मनाया जाता है। तो ये हम मैंने आगे भी आपको बताया कि ये मेला का नाम है कोठा पापड़ी मेला। तो आप सब जगह पे देखेंगे, देखो ये कोठा है, ये सब ये कोठा बोलते हैं इसको। और यहाँ पे देखिए आप, ये पापड़ी है ये। तो ये हनुमान जी को भी यहाँ पे चढ़ाया जाता है प्रसादी के रूप में, और सब लोग उसको प्रसादी के रूप में लेते हैं। आपका नाम क्या है? जितेंद्र परमार। जितेंद्र भाई, ये आप कितने टाइम से लगाते हो, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे मेले? 20 से 22 साल हो गए। अब 20 साल से यहाँ पे है, मतलब जब मेला आता है तो एक कोठे का हर मेले में आप लोग आते हो, तो 20 साल से ये लोग यहाँ पे है। ये माक्सर मास में जब मेला आता है तब लोग यहाँ पे कोठा बेचने के लिए आते हैं। तो आपने महाराज के मुंह से सुना, उन्होंने बताया ये मंदिर का महात्मा ही क्या है। तो आप भी अपने फैमिली के साथ जरूर आइए। धन्यवाद। थैंक यू।